वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गितभ्रूधर अर्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिरार्षित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सै सिद्धै विस्मितास्त उपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित अपस्मृत कश्म कह रहे हैं कि गोपियां श्याम सुंदर के गो मतलब चले गए ना श्याम सुंदर तो गोपियों का मन लगा हुआ है उस गोवर्धन में कहीं तो भगवान कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बासुरी बजा रहे कैसे बजा रहे है? वाम बाहु लेफ्ट हैंड लिया और ऐसे उठाया वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम गाल वाम बाहु कृत वाम कपोलो और वल्लगित भूदर ऐसे बांसी बजाने वाला ना ऐसे से हिलाता रहता वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्लगित भूदर ये वल्लगी उन्हें ये हिला रहे वल्लगित भूदर अर्पित वेणु कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम और कोमल कोमल उंगलियों से मार्गम गोप्य सुंदर छवि है ऐसे पकड़ के ऐसे ध्यान से कहने करता है कि गोप गोपिया बस उनको याद कर रही है श्याम सुंदर को श्याम सुंदर ने अपने बांसुरी को ले लिया बांसुरी तो उनको सबसे प्रिय है जैसे बांसुरी को अपनी वो आराध्य मानते हो बांसुरी को जैसे हम श्याम सुंदर को अपने हृदय से कभी अलग होने नहीं देती फिर भी वो हमसे दूर तो है ना अभी इस समय ये तो बांसुरी तो इनकी सबसे ज्यादा चहती है ये इनसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती है और जैसे ही भगवान को मौका मिलता है सीधे अपने अधरों पे लगा लेते हैं अधरों का तो क्या बनाते हैं और कर कमल का गद्दा और एक उंगली से उसको मसाज करते रहते हैं आह ये बांसुरी क्या है लेकिन छोड़ तू तो बांसुरी को सखी उनको देख तो वो कैसे करते हैं ऐसे ऐसे से रखते हैं जब कितने सुंदर लगते हैं और जब वो जब वो अपने भ्रू हिलाते हैं तो लगता है अरे बांसुरी तो यहां बज रही है लेकिन इन भ्रू इन भवों से वो लगता है कि जैसे वो जैसे वो तीर चला रहे हो ये भाव नहीं है ये ना ऐसे धनुष के जैसे है उसकी प्रत्यंक्षा खिली हुई खिंची हुई है ऐसे मतलब और बजरा तो वो बासुरी रहे लेकिन यहां से तीर चल रहे तीर हमको लग रहे हैं अरे सखी अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नटनागर अपने बाएं कपोल को बाएं बा की ओर लटका देते हैं और अपनी भावों को नचाते हुए बासुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों उंगलियों को उसके छेद पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं तो सोचो कितनी वो भाग्यवान है वो बासुरी वो मधुर तान वहां छेड़ते हैं वो अपने सुधार अधर सुधार को वहां से बिखेरते हैं हमको तो यहाँ केवल बूंद मिलती है वो बांसुरी को तो सब कुछ मिलता है और तो सखी ये तो सुनो हम तो चलो जो भी हम तो है हम तो गोपी हैं तो सीधी साधी हैं हम ही नहीं तरसतीं इनके अदर सुधर के लिए देखो तो वृंदावन की क्या दशा हुई है व्योम वनिता सह सिद्ध विस्मिता उपधार्य सलज्जा काम समर्पित चित्ता कश्मलम ययुर अपस्मृत निव्य कहती देखो गगन को दे तो देखो वृंदावन के इसमें केवल देवयान यहां वहां दिखाई दे रहे हैं सारी की सारी देवियां स्वर्गों से और लोगों से यहां पर आ गई देवयानों में और सिद्धों के साथ आ गई हैं कितने तो सिद्ध यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस वृंदावन में और क्या हो रहा है कहते विस्मित सबके सब की सब इनके बासुई से विस्मित हो गई है और उनसे रहा नहीं जा रहा है यहां पर आ गई देखो तो उनको सलज्जा थोड़ी लज्जा में भी है क्यों भाई लज्जा में क्यों है बासुरी तो सुन रही है कहते जानती नहीं इनकी बांसुरी ऐसी मुग्ध कर देती है इनके हृदय में काम विकार देवियों के इनके पति हैं लेकिन वो भूल जा रही है हमारी तो दशा ऐसी होती है जब ये बजाते हैं तो तो इनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा काम विकार ऐसा प्रेम आ रहा है तो वो विवश हो जाती हैं इनके काम बाणों से वो बिंद जाती हैं और विवश और अच्छे हो जाती हैं और उनकी उनकी सुदबुद ऐसे खु, खो जाती है वो कि उनकी नीवी खुल जाती है तो इसलिए कश्मलम अपस्मृत अपृत नि इनकी ढीली हो जाती है इसलिए श्याम सुंदर को देख तो रही हैं लेकिन देखो तो इनकी क्या दशा हो गई है सलज्जा बिल्कुल ये लज्जा युक्त हो गई हैं अपने पतियों के साथ रहने पर भी ये अपने चित्त को नहीं संभाल पाएंगी नहीं संभाल पा रही हैं क्योंकि हमारे श्याम सुंदर है ही ऐसे तो हम अगर अगर ये अगर ये देव जो ये देवनागरिया अगर ये नहीं कर पा रही हैं तो हम तो सीधी साधी गोपी हैं हम तो रोज इनको देखती हैं अगर हमें इनके ऊपर लाड़ आ रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है सखी